क्या बताएं, मेरा तो दिमाग, मेरा मैसेज देख के मुझको इतना गुस्सा भी आया। मैं तो, आप लोग देखो, नहीं मन है तो मत देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों पे। टिकटॉक में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, आप लोग के लिए तो वो मुजरा ही होता है ना। मैं आप लोग का लैंग्वेज में ही बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। तो देख रहे कितना अच्छा वेदर हो गया है और मैं भी इस वेदर का मज़े ले रही हूँ। बहुत गर्मी थी कुछ दिनों से, इतना गर्मी थी मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। गर्म का छुट्टी पड़ गया लेकिन घर में भी चैन नहीं। और अभी मतलब कि जस्ट शाम को ही ऐसा वेदर हो गया है और मैं भी मतलब कि बाल बुल खोल के एकदम हवा खा रही हूँ। और उसके बाद उसी मोमेंट में मैं चाय बना रही हूँ, गरम गरम चाय। बस पकौड़े की ही कमी है, पकौड़े ही मैं नहीं बना पाई, लेकिन मैं चाय बना रही हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है सब कुछ, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे ही, देखा कि ऐसा वेदर, तो मैं उठ के मतलब कि मैं पहले छत में गई, फिर उसके बाद वहाँ हवा खा के फिर मैं नीचे आ गई। और बारिश हो रही थी इसीलिए मैं नीचे आ गई थी। फिर अभी मैं चाय तो बना रही हूँ, सबको ही हम लोग चाय पियेंगे, बैठ के आराम से इंजॉय करेंगे। अरे बाबा, गला नहीं दबा रहे, अपना पाउडर वो ना ठीक कर रहे, पूरा सादा सादा हो गया मेरा गला। पूरे बाबा की गौरव की गौरव, अवस्था खूब ख़राब हो जाती है। आई होप कि आप लोग का भी अवस्था बहुत ख़राब हो रहा होगा। सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूँ जो भोग रही हूँ इस गर्मी से। और आज तो स्कूल जाने का बात था, लाइटिंग नहीं आ रही, अंधेरा हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जा पाई धूप के वजह से। क्योंकि मेरी बात होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बच्चे को लेकर जाओ आओ। अरे कितना गोरा लग रहा है हम, तब पता कौन बोलता है कि मैं काली हूँ, मैं तो गोरी हूँ। हाँ तो अनन्य का स्कूल तो आज से खुल गया है 15 तारीख से, बट मैं नहीं लेकर गई 15-16, तो मैं मंडे से ही लेकर जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ही सिर्फ हूँ क्या, अकेली मैं नहीं लेके जा रही हूँ अपने बच्चे को। फिर मैंने उसी के फ्रेंड का मम्मी को फ़ोन किया कि आप जा रहे हो, 2-3 जन से मैंने फ़ोन करके पूछा। तो जब उन लोगों ने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं लेके जा पाई बच्चों को, क्योंकि बहुत गर्मी है इसीलिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बुरा तब लगता है जब वो लोग जाते हैं और मैं अकेली घर में बैठी रहती है। लेकिन अच्छा हुआ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ाई तो चलो इससे उससे कलेक्ट कर ही लेंगे ऑनलाइन में मैसेज करके, पढ़ाई का चिंता नहीं है। बस ये कि जाने का प्रॉब्लम बहुत होता है, और बगल में नहीं है ना, कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगता है स्कूल जाने में। और ये जो मैडम है, इनको पैदल हटने का मन नहीं करता है, जब से साइकिल में वो ये हैबिट हो गया है। और साइकिल सीख भी लेती ना, हाँ, ये 1 महीने के अंदर मेरी किस्मत ही नहीं है साइकिल सीख, मेरी किस्मत में साइकिल सीखना लिखा ही नहीं है, नहीं तो कितना काम हो जाता। ये तो गाड़ी जो मैंने बड़ी बेटी का किया है, 1200 रुपया पड़ रहा है। तो एक तो मुझे बहुत शौक है, ठीक है, मैं ना क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं कितना बार सपना देख चुकी हूँ साइकिल में चला रही हूँ, मतलब ये कैसा सपना है बोलिए तो आप लोग। हाँ, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में सपने पूरे करना जरूरी होता है। कैसे पूरे करे, अकेले होता है और वो बॉयज साइकिल है, लेडीज साइकिल होता है, लेडीज साइकिल थोड़ा छोटा होता है उसका सीट। तब यहाँ मैं सीखने गई, इधर पाँव हाथ तोड़ के और बैठ गई, जो चल फिर रही हूँ दोनों पैर में वो भी काम नहीं होगा उस। तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। पानी देख रहे, डीप फ्रीज से निकाले, मतलब कि एकदम बर्फ हो चुका था। थोड़ा सा रखे, 1 मिनट भी नहीं हुआ आप लोगों से बात करते हुए और ये अवस्था। दिन भर में मैंने तबीयत बीच बीच में ना मेरा बहुत ख़राब लगता है मेरा। एक्चुअली क्या है कि एक तो दिन भर में 4-5 बार मैं नहा लेती हूँ, अभी मैं खुद नहा के आई, मतलब सोचिए लंच करके फिर मैंने नहाया, ये नाइटी मैंने चेंज किया, थोड़ा पाउडर वगैरह लगाई। आप लोग तो देख ही रहे हो मेरा पाउडर लगाने का कायदा, पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा पाउडर का फैक्ट्री से घुस के आई हूँ। हाँ,
और क्या, उसके बाद डीप फ्रिज में अपना बोतल रखती हूँ, निकालती हूँ, मतलब नहा के संग संग फिर पानी पीती हूँ। तो सोचिए तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या करें, रात को 12:30 बजे मैं नहाती हूँ, 12:30 कभी 1 बजे, वैसे 12:30 बजे ना हो या 1 बजे ना, अपना घर है, चाहे कभी भी ना हो, कौन बोलने वाला है बोलो। चलो थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने तकिया ही बिछा दिया है, तकिया रख दिया है, तकिया भी इसी में सोऊंगी। और क्या बताएं, अच्छा कुछ दिन पहले जैसे कि सैटरडे को लोकनाथ बाबा का पूजा था, ठीक है, तो मैंने उसका वीडियो थोड़ा आस्ते करो ना बेटा, मेरा गला का आवाज़ ऐसे ही आस्ते है, उसके बाद तुम म्यूजिक चालू करोगी तो ऐसे ही कोई नहीं सुनने पाएगा। ये तो मेरा पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर मत ध्यान दीजिए, वो तो मतलब कि क्या बताएं, मेरा मतलब उनका पैसा बर्बाद हो गया, पता नहीं क्यों। ये दीवार जो है ये तो अंदर में है, ये तो बाहर आउटसाइड में नहीं है, फिर भी डैम्प हो गया, पता नहीं किस लिए। खैर जो भी हो, महंगा महंगा कलर था सब एक। तो सैटरडे को लोकनाथ बाबा पूजा था, मेरे मम्मी पापा आए थे, और जैसे कि हम लोग सबको पूजा पाठ इंजॉय किया, ठीक है, वहाँ पे मेला उला भी लगा था, मैंने वो सब सारा वीडियो मैंने पोस्ट करके दिया था, ठीक है, यूट्यूब पर। तो अब मेन बात ये है कि जो चीज़ मैं पोस्ट करूँगी आप लोग उसी पे ही कमेंट करो, ये नहीं कि हाँ ठीक है, अगर जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ या फिर करने वाली हूँ आप उसको बोलो। अगर मैंने कोई भगवान जी का वीडियो मैंने पोस्ट किया है तो आप उस पर कमेंट करके बोलो कि हाँ ये आप लोगों का जो एरिया में जो लोकनाथ बाबा पूजा हुआ है बहुत अच्छा है, कुछ भी एक तो कमेंट, अच्छा पॉजिटिव कमेंट तो आप लोग दे ही सकते हो ना भगवान जी का नाम पे। लेकिन मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों आप लोग ये वीडियो देखे ही नहीं है क्या, मतलब कि भगवान के ऊपर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं आप लोगों को, मतलब ऐसा लग रहा है। और देखो कोई भी मेरी तो ज़्यादातर आधा से ज़्यादा तो नेगेटिव कमेंट ही रहते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जस्ट थोड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल या जो भी हो, मैं जिसका कमेंट मुझे सब अच्छा लगता है या सबसे अच्छा भी लगता है तो मैं ज़रूर उस पर लाइक करती हूँ, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, जो ऊटपटांग कमेंट करता है उसको तो मैं डिसलाइक का भी लायक नहीं समझती, मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे मतलब मैं देख के भी अनदेखा कर देती हूँ कि मैंने देखा ही नहीं है। तुम कुछ भी मैंने तुम अगर कुछ बोल भी रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर भगवान जी का बारे में कोई कुछ बोले। ऐसे ही करके एक बार मैंने ईद का बारे में मैंने कुछ फ़ोटो पोस्ट किया था और उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे मैसेज करके बहुत कुछ मतलब कि इसका बारे में बोला। तो अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैं अपने मैं मान रही हूँ, कुछ भी मानूँ, चाहे मैं अल्लाह को मानूँ या फिर जीसू को मानूँ या फिर भगवान जी को मानूँ, किसी को भी मानूँ, तो आपका क्या हक बनता है कि आप मुझे ऑर्डर करके बोलो कि नहीं आपको कौन सा भगवान मानना चाहिए। अगर मैं हिंदू में हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं हिंदू धर्म ही मानूँगी और कोई धर्म नहीं मान सकती हूँ, जो आप लोग ऐसे करके बोल रहे हो। तो मैंने उस कमेंट को मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसको दिखाया भी था, ये भी किया था। भगवान के नाम पे कुछ मत बोला करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है, सच बात बोल रही हूँ, मेरे बारे में जो बोलना है बोल दो, फैमिली हुआ या फिर भगवान जी के बारे में कुछ मत बोलना आप लोग। और एक तो कमेंट भी नहीं किया किसी ने, साड़ी ड्रैपिंग नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, अरे ठीक है बाबा, जो वीडियो जो मुझे सही लगता है जैसा भी लगता है मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो फिर आप लोग मतलब कि जो दिखा रही हूँ जो वीडियो मैंने कि हाँ आज मेरे घर में ये पूजा हुआ है, आज मैं यहाँ घूमने गई थी, आज मैंने ये खाया है, उसके बारे में तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, इसका मतलब कि उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरा मतलब ब्लॉग का मतलब क्या है कि 7-8 दिन खाली वही मुझे ही करते रहूँगी, मैं यही बोलूँगी किसी को भी खराब लगे या जो लगे। टिकटॉक में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना आप लोग के लिए तो वो मुजरा ही होता है ना,
मैं आप लोग का लैंग्वेज में ही बोल रही हूँ, आप लोग वैसे ही समझो। मैंने क्या बताया, मेरा तो दिमाग, मेरा मैसेज दे के मुझको इतना गुस्सा भी आया, मैं अब उसको ऑफ ही कर दूंगी कमेंट। अब से मैं भगवान, ये नहीं है कि हाँ मैं अगर पूजा पाठ होगा तो मैं नहीं वीडियो पोस्ट करूंगी, मैं ज़रूर करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ। व्लॉग का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जैसे कि एक इंसान जो है वो डायरी लिखता है ना कि मैंने सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, कि मैंने क्या खाया, मैंने कहाँ मैं गई थी, सब कुछ। एक पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरी में लिखते थे ना, तो अब डायरी की जगह वो व्लॉग बन गया। अब हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग शेयर करके आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग को चाहो तो आप लोग देखो, नहीं मन है तो मत देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों पर। लेकिन ऐसे करके भगवान के मतलब कि वीडियो पोस्ट किया है मैंने, तो आप लोग कुछ तो बोलो कि हाँ कुछ अच्छा लगा कि क्या है, कुछ तो बोलो आप लोग। खैर छोड़ो, अब मैंने बता दिया जो भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पोस्ट नहीं करूँगी, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, सब कोई अपना अपना मन का करता है, तो मैं क्यों नहीं। मैं क्या कोई और ग्रह से आई हूँ हाँ, जो मैं कुछ नहीं करूँ। मैं अभी के लिए यहीं पर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं कर सकती हूँ, एक तो ऐसी ही दुनिया गर्म है, और माथा गर्म करूँगी तो पता नहीं और क्या हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो लोग इंजॉय करते हैं, उसको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, क्योंकि मुझे पता चलता है, क्योंकि मेरे वीडियो में जितने अच्छे ग्रो होते हैं कि हाँ ज़रूर लोग मेरे वीडियो देखते हैं, इसीलिए ना उन व्यूअर्स के लिए ही तो आज मैं इतना दूर तक मैं जा पाई। लेकिन कुछ कुछ व्यूअर्स होते हैं ना कि पहले थंबनेल देख लेंगे, फिर उसके बाद ना पहला जो है देख लेंगे, ओ अच्छा ये तो मेरे लायक नहीं है, बस स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेरे काम में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना मतलब के लिए नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि हाँ ये एक क्रिएटर है, ये इन्होंने दिन सुबह मतलब कि इस वीडियो के पीछे मेहनत किया है, हम लोगों के लिए वीडियो पोस्ट किया है कि शेयर किया है कि हम लोग देखें, तो हम लोग का ये मतलब कि कर्तव्य बनता है कि मैं ये वीडियो देखूं। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, कमेंट भी करते हैं, मैं लाइक भी करती हूँ, और क्या बोलूँ। ठीक है, बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।